नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। आप सभी जानते हैं कि कोरोना संकट काल ने सबको हिलाकर रख दिया है, सभी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है, तो वहीं लोग भी हलकान होते आ रहे हैं। अब तक कोरोना संकट काल ने लोगों को जो विभीषिका का दर्शन कराया है, उसे देखने के बाद लोग अब वाकई दहशत में आ गए हैं। लेकिन कोरोना का जहां जहां प्रभाव पड़ा, वहां वहां दहशत भी फैला, और अब कोरोना का प्रभाव इतना फैल चुका है, कोरोना से डर इतना फैल चुका है कि अब बड़े बड़े आयोजनों और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, रोक लगाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों की भीड़ जमा ना हो जाए। और लोगों की जहां भीड़ जमा होती है, वहां कोरोना का खतरा होता है। और इसी को देखते हुए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गया को लेकर के, बिहार का गया, जहाँ मोक्ष मिलती है, जहां पितरों के आत्मा को शांति मिलती है, वहां अब बड़ा आयोजन होता था हर साल, पर इस बार पितरों को मोक्ष के लिए भी प्रतीक्षा करनी होगी। कह सकते हैं कि पितरों के मोक्ष पर भी कोरोना संकट काल का ग्रहण लग गया है। इतिहास में यह पहला मौका है जब मोक्ष नगरी गया में अपने तारणहार का इंतजार कर रहे पितरों को मोक्ष के लिए एक साल की प्रतीक्षा करनी होगी, उनके ऊपर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। कोरोना के कारण इस बार मोक्ष नगरी गया का पितृपक्ष मेला स्थगित कर दिया गया है। पंडा समाज के विरोध के कारण पर्यटन विभाग ने अपने पूर्व घोषित ऑनलाइन पिंडदान को लेकर चुप्पी साध ली है। पितृपक्ष में सभी पितर गया जी के 5 कोस के दायरे में रहते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए उनके पुत्र पौत्र गया जी आते हैं। यह परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। हर पितृपक्ष में यहाँ बसी 54 पिंड वेदियां जीवंत हो उठती हैं। उन पर प्रतिदिन पिंड और तर्पण होता है, चाहे वो विष्णुपद वेदी हो या फिर प्रेतशिला स्थित पिंड वेदी। प्रेतशिला से धर्मारण्य तक की दूरी भले ही आज 20 किलोमीटर हो, लेकिन धार्मिक पुस्तकें इस दूरी को भी 5 कोस में ही मानती हैं। इन 5 कोस में जीवंत रहती हैं पितरों की वे आत्माएं जो अपने पुत्र की श्रद्धा को श्राद्ध के रूप में ग्रहण करती हैं। कोरोना के कारण इस बार गया जी की प्राचीन परंपरा बाधित हुई है, धार्मिक अनुष्ठान पर ग्रहण लग गया है। चूंकि प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है, लिहाजा कर्मकांड के लिए श्रद्धालुओं के आगमन की इच्छा पूरी नहीं हुई है। कोरोना काल में तारणहार विष्णुपद वेदी का प्रवेश द्वार बंद है। मुख्य द्वार पर 1-2 सामान्य पुजारी यूं ही बैठे रहते हैं। भूले भटके आसपास का कोई यजमान आ गया, कुछ दे गया तो ग्रहण कर लेते हैं। मंदिर के भीतर भाग में भी पूरी तरह से ताले लगे हुए हैं। फल्गु को जलांजलि के लिए पुत्रों का इंतजार है। पास का देवी घाट भी चुप है, कोई कोलाहल नहीं है। भीड़ को संभालने के लिए कहीं कोई पुलिस वाले भी नहीं है। यहाँ एक दिन में लगभग 1000 से अधिक पिंड पड़ते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पिंड दान पर इस बार ग्रहण लग गया है, पितरों के मोक्ष पर ग्रहण लग गया है। कोरोना संकट काल को देखते हुए सभी मंदिरों को बंद किया गया है, विष्णुपद के द्वार को भी बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब पितरों को एक साल की प्रतीक्षा करनी होगी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।